क्या आप कमेंट करके बता सकते हो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? हैप्पी, सैड, एंग्री और शाय? जल्दी से बताओ, आपको मेरे पांच काउंट करने तक कमेंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. देखा, आपको बिना मेरा फेस देखे मेरे मूड के बारे में पता चल गया. और ये है आंखों की पावर. और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आप अपनी आंखों की पावर को, यानी कि आईसाइट को, नेचुरली इंप्रूव कर सकते हो. और साथ ही में हम आईसाइट रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे. अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं या फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, अगर कई बार आपके आंखों के ऊपर पेन होता है, अगर आपको दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, अगर आईज में इचिंग या फिर बर्निंग होती है, अगर आंखों से बार बार पानी निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईसाइट वीक हो सकती है. और इस वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो जाएंगी. जो 7 टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 20-20-20 मेथड, ABCD फॉर आईज, आई केयर, डिजिटल आई केयर, ब्लड शुगर फॉर आईज, एक्सरसाइज फॉर आईज एंड सम आयुर्वेदिक रेमेडी. फर्स्ट इज 20-20-20 रूल. क्या आपको पता है कि एक मिनट में हम कितनी बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं? चलो एक रैंडम अंदाजा लगाओ और जल्दी से कमेंट्स में बताओ. तब तक हम देखते हैं कि आंखों को ब्लिंक करना जरूरी क्यों है. जब भी हम स्क्रीन देखते रहते हैं, हमारे पलकें झपकती नहीं है. और जितना हम पलकों को झपकते नहीं है, उतना ही हमारे मस्तिष्क में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो कम होती है. इसलिए पलकों को झपकना बार बार बहुत आवश्यक है. तो इसलिए आंखों का ब्लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग एक मिनट में 15-20 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करता है. बट यू नो समथिंग, जब हम कोई डिजिटल स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम फोन यूज कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तब हमारी आईज की ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग का ये मेथड 20-20-20 रूल को यूज करके हम स्क्रीन से होने वाली आई प्रॉब्लम्स, जैसे कि आई स्ट्रेन या फिर हेडेक को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं. इस मेथड के अकॉर्डिंग स्क्रीन यूज करते वक्त 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है. ये 20 सेकंड का ब्रेक आईज को कम्प्लीटली रिलैक्स कर देता है. नाउ हियर इज एन एडिशनल टिप. इस 20 सेकंड के ब्रेक को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, जैसे कि एक ग्लास पानी पीकर, या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके, या फिर डीप ब्रीदिंग करके. अब नेक्स्ट टिप पे जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट. डू यू नो न्यू बॉर्न बेबीज की फर्स्ट 4 मंथ्स तक ब्लरी विजन होती है. मतलब वो चीजों को देखते तो है बट ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते. बट स्टिल दे डू लव टू फोकस ऑन योर फेस एंड स्पेशली योर आईज. नाउ सेकंड टिप, ABCD फॉर आईज. एक अच्छी डाइट वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं बल्कि आईसाइट इंप्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी विजन को नेचुरली इंप्रूव करते हैं. और ये सारे न्यूट्रिएंट्स ABCD डाइट में इंक्लूडेड हैं. वेयर ए स्टैंड्स फॉर आमंड्स. बहुत से आई रिलेटेड इश्यूज फ्री रेडिकल्स की वजह से ट्रिगर होते हैं. और आमंड में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से हमें दूर रखते हैं. नाउ बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकली, बेल पेपर्स एंड बेरीज. ये सभी फूड्स कोलाजन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. और कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन और हमारी आईज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आंखें कमजोर होने लग जाती है. बट इस तरह के फूड्स एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर देते हैं. नाउ सी स्टैंड्स फॉर कैरेट्स, स्पेशली ऑरेंज कैरेट, जिनके अंदर कैरेटिनॉइड होता है. कुछ लोगों को रात में या फिर कम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है और वो कैरेटिनॉइड की कमी की वजह से होता है. कैरेटिनॉइड लाइट सेंसिटिव पिगमेंट को एक्टिवेट कर देता है जिससे हम कम लाइट में भी प्रॉपरली देख पाते हैं. नाउ डी स्टैंड्स फॉर डेरी. कुछ ऐसे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1 और जिंक, ये हमारी आईसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये डेयरी आइटम्स स्पेशली मिल्क, योगर्ट या फिर एग्स में प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह के फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हमारी आईसाइट नेचुरली इंप्रूव होती है. तो ये था ABCD फॉर आईज. अब अगले टिप पे जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसाइट एंड विजन? When eyesight वो होता है कि हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रही हैं, कितने अच्छे से उसकी इमेज फॉर्म कर पा रही हैं. और विजन वो होता है कि उस कैप्चर्ड इमेज को हमारा ब्रेन कितने तेजी से प्रोसेस कर पा रहा है, उसे समझ पा रहा है. इसीलिए कहते हैं व्हाट इज योर विजन इन लाइफ, बिकॉज दैट इज समथिंग योर ब्रेन कैन प्रोसेस. अब चलते हैं थर्ड टिप पे, विच इज आई केयर रूटीन. हम में से बहुत लोग अपने स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं बट आईज को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते?
वेल, आई केयर के लिए भी हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बट अभी मैं आपके साथ 3 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली। ठंडे पानी से आईज को वॉश करना ताकि आईज अच्छे से क्लीन हो जाए, अंदर की डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाए। हम अपना फेस तो वॉश करते ही हैं, उसी टाइम हम साथ में अपनी आईज भी रिंस कर सकते हैं। देन धूप में सनग्लासेस पहनना, स्ट्रॉन्ग यूवी रेस से कैटरैक्ट या फिर आई कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए तेज धूप में सनग्लासेस लगाना आईज के लिए अच्छा है। देन डू यू नो दैट प्रॉपर वाटर इनटेक से सिर्फ आपके ऑर्गन्स या फिर आपकी स्किन ही हेल्दी नहीं रहती, बल्कि आपकी आईज भी हाइड्रेटेड और ज्यादा हेल्दी रहती है। सो वॉशिंग योर आईज विद कोल्ड वाटर, वेयरिंग शेड। अब अगले टिप पे जाने से पहले बारी है एक और मजेदार फैक्ट। आपको पता है हमारे फोन में जो कैमरा होता है उसका कितना मेगापिक्सल्स होता है? 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, यहां तक कि आईफोन 14 प्रो का भी 48 मेगापिक्सल है। बट अगर हमारी आंखें एक कैमरा होती तो उसका 576 मेगापिक्सल होता। Isn't that crazy? अंदर घुस जाओ उसके। हमारा बहुत टाइम फोन के आगे बीतता है, इसलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है डिजिटल आई केयर। डिजिटल स्ट्रेन से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो आपका 1 आर्म डिस्टेंस होना जरूरी है। टीवी के केस में आपका टीवी जितने भी इंचेस का है उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टीवी 40 इंचेस का है तो आपका और टीवी के बीच का डिस्टेंस 60 इंचेस होना चाहिए। और स्मार्टफोन्स के केस में फोन और हमारे बीच में 15-18 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। और अब तो ऐसे एप्स भी आते हैं जो आपके फोन की स्क्रीन को ब्लॉक कर देते हैं अगर आप उन्हें आंखों के बहुत ज्यादा पास लेके आते हो। नेक्स्ट इज द ब्राइटनेस लेवल। आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा शार्प भी नहीं होनी चाहिए और बहुत डिम भी नहीं होनी चाहिए। उसे आप अपने कम्फर्ट लेवल के हिसाब से सेट करो। और फोन यूज करते वक्त फोन को आप अपने आई लेवल से स्लाइटली नीचे रखो। एंड लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे काम करते वक्त ब्लू रे प्रोटेक्शन या फिर एंटी ग्लेयर ग्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फैक्ट। डू यू नो हर साल 2nd Thursday ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड शुगर फॉर आईज। आप जान के हैरान हो जाओगे कि हाई ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज भी हमारी आई साइट को वीक करती हैं, क्योंकि एक्सेस ब्लड शुगर रेटिना में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक्ट या फिर डैमेज करता है, जिससे हमारी विजन ब्लरी होती है। और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी भी हमारी आई साइट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अच्छी हेल्थ के साथ साथ अच्छी आई साइट के लिए भी इन क्रॉनिक डिसीजेस को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप अच्छी डाइट और फिजिकली एक्टिव रह के कर सकते हो। आई एम वाओ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में इस तरह की मेडिकल कंडीशंस के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एक एक्सपर्ट डाइटिशियन का सपोर्ट भी रहता है। बहुत लोगों की इस प्रोग्राम के बाद अपनी दवाइयां बंद हो गई हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो। अब अगले टिप पे जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन आई कलर कौन सा है? अगर पता है तो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन है ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक। एंड द आंसर इज 70-80% of the world's population have brown eyes, and which is the most common eye color. Next tip is exercise for eyes. जैसे हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उसी तरह से अगर हम अपनी आईज की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी आईसाइट और हमारी विजन दोनों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स होती हैं, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो चलो कुछ ऐसी आई एक्सरसाइजेस देखते हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज, नियर एंड फार फोकस। इसके लिए सबसे पहले आपको एक जगह पे बैठना है, इसके बाद अपने थंब को फेस से 10 इंचेस की दूरी पर रखना है और 15 सेकंड के लिए इसके ऊपर फोकस करना है। 15 सेकंड के बाद कुछ दूर पड़े, 10-20 फीट दूर पड़े किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 15 सेकंड के लिए फोकस करना है और फिर वापस थंब पे फोकस करना है। एंड नाउ रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 5 टाइम्स। सेकंड इज रोलिंग योर आईज। लुक इन द राइट डायरेक्शन एंड देन इन द लेफ्ट डायरेक्शन विदाउट मूविंग योर हेड। कुछ देर इसे रिपीट करने के बाद नाउ मूव योर आईज क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज सेवरल टाइम्स। थर्ड इज फिगर ऑफ 8। अपने सामने एक बहुत ही बड़ा सा 8 इमेजिन करना है और अब उसको साइडवेज टर्न कर देना है, जो कि एक इन्फिनिटी का सिंबल बन जाएगा। अब आपने अपनी आईज को उस 8 के साथ साथ रोटेट करना है, मूव करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्लोज योर आईज टाइटली फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन ओपन देम वाइड फॉर 5 सेकेंड्स। रिपीट इट फॉर 5-6 टाइम्स। एंड नाउ द 5th एक्सरसाइज, जिसका नाम है त्रिताका। ये आयुर्वेद में दी गई आंखों के लिए एक एक्सरसाइज है। इसमें आपको खुद से दूर पड़े किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ देर के लिए
फोकस करना है। इससे आपकी आंखों की मसल स्ट्रेंथन होती है और आपकी विजन इंप्रूव होती है। इसी के साथ हम चलते हैं सेवेंथ पॉइंट पे और कुछ और आयुर्वेदिक रेमेडीज जानते हैं आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए। आयुर्वेद में भी आईसाइट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सी रेमेडीज है, बट आज मैं आपके साथ दो ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। पहली है रसायना थेरेपी। अगर आपकी आंखें कमजोर है या फिर आप अपनी आईसाइट को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप रात में त्रिफला, घी और हनी को मिक्स करके ले सकते हो। सेकंड इज फुट मसाज। हमारे पैरों के नीचे तलवों पे ये दो पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारी आंखों के साथ कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे मसाज करने से हमारी आंखों की मसल्स को बहुत रिलैक्स मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आपने अपनी आईसाइट को नेचुरली इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। 20-20-20 मेथड फॉर आईज, डिजिटल स्क्रीन यूज करते वक्त 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। देन ABCD डाइट फॉर आईज, जो फूड आइटम्स हमने डिस्कस किए उन्हें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। देन आई केयर, अपनी आंखों को क्लीन रखने के लिए और यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। डिजिटल आई केयर, जिसमें हमने जाना कि आपका और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए और स्क्रीन को यूज करने का सही तरीका क्या है। देन कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर फॉर बेटर आईसाइट। उसके बाद हमने कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस देखी जिनसे आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। एंड लास्टली आयुर्वेदिक रेमेडीज जैसे कि रसायना थेरेपी एंड फुट केयर फॉर इम्प्रूव्ड आईसाइट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।